एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें ये सीरीज प्रिंट करने का फ्लो चार्ट डिजाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो आपका समय ज़्यादा ना लगे इसके लिए मैंने फ्लो चार्ट को यहाँ पर पहले से डिजाइन कर दिया है, अब ये इसको हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस सीरीज को समझ लेते हैं कि ये एग्जीक्यूट कैसे हो रही है। देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये जो पहला नंबर है इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि अगर हम 1 का स्क्वायर करें प्लस 1 कर दें तो ये नंबर आ जाता है। अगला नंबर अगर हम देखें तो 2 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 5। इसी तरह से अगला नंबर अगर हम देखें 3 स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से अगर अगला नंबर देखें 4 स्क्वायर प्लस 1, और ऐसे ही लास्ट नंबर अगर हम देखें तो 10 स्क्वायर प्लस 1। तो इस तरह से हम सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसके लॉजिक को हम समझ लेते हैं यहाँ फ्लो चार्ट में। तो आइए देखते हैं इस फ्लो चार्ट को। सबसे पहले हमने क्या करा, स्टार्ट किया। अब क्योंकि हमारे जो सीरीज़ है वो 1 से लेकर 10 तक जा रही है, इसलिए हमने इस नंबर को पहले से इनिशियलाइज कर दिया। और क्योंकि हमें इस फ्लो चार्ट में वाइल लूप से हमें प्रिंट करना था इस सीरीज़ को, तो हमने वाइल लूप के लिए डिसीजन बॉक्स यहाँ लगा दिया। लास्ट लिमिट क्या है हमारी, 10। तो इसलिए हमने लिखा है जब आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू हो 10 के, तब तक ये चलता रहेगा, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है वो चलता रहेगा। तो क्या चलेगा, तो हमने लिखा है आई की वैल्यू को स्क्वायर कर दिया हमने, तो आई की वैल्यू जो भी है वो स्क्वायर, यानी आई इंटू आई प्लस 1, और इसको हमने स्टोर कर लिया है रिजल्ट नाम के वेरिएबल में। और अब हमने इसको प्रिंट कर दिया रिजल्ट को, यानी जो भी स्क्वायर होगा प्लस 1 करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हमने प्रिंट कर दिया। और उसके बाद हमें ये पैटर्न तो प्रिंट हो गया, ये नंबर प्रिंट हो गया। अब हमें आई का इंक्रीमेंट करना होगा, तो इंक्रीमेंट करने के बाद हमने क्या लिखा, इंक्रीमेंट करने के लिए आई इक्वल टू आई प्लस 1, और जब तक ये चलता रहेगा जब तक कि लूप पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। तो इस तरह से हमने इस फ्लो चार्ट को बना लिया, और मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गया होगा। पर फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको सॉल्व करने की। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।